नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जुरिस्प्रूडेंस का जो है, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिहाज से, और ओवरऑल देखा जाए तो इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी लॉ का गैमेट, यानी जितना भी लॉ है या कानून है, वो सारा राइट्स और ड्यूटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है जी, लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड हों, और जो ड्यूटी करने वाले हैं वो अपनी ड्यूटीज़ ढंग से करें, उसकी वायलेशन ना करें, क्योंकि वायलेशन होने पर उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, उसको शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज़ राइट, कि राइट क्या है। तो राइट दोस्तों एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसको कि प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा। ठीक है जी, यानी कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉ किसी राइट को प्रोटेक्ट ना करे तो उसको हम राइट कह ही नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा फिर, मॉरल्स। ठीक है, जब कोई राइट प्रोटेक्ट किया जाता है तो वो लीगल हो जाता है, जब उसमें किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वो क्या हो जाता है, मॉरल। सालमंड डेफिनेशन ऑफ राइट, सालमंड ने क्या कहा राइट के बारे में। तो सालमंड ने बड़े ब्यूटीफुली इसको डिफाइन किया दोस्तों। सालमंड ने कहा है कि राइट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लीगल जस्टिस। अब इसको देखते हैं, सालमंड ने कहा कि राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यानी उसमें कुछ हित होता है, हर आदमी का कुछ ना कुछ हित होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है और प्रोटेक्शन की जाती है उसकी बाय द रूल ऑफ लीगल जस्टिस, यानी कि लॉ के द्वारा उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। अब देखते हैं कि सालमंड की डेफिनेशन कितनी सही है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे हम कि वर्ड यूज़ किया है सालमंड ने, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो रिकॉग्नाइज क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो वो क्या हो गया, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी कह सकता है कि भाई देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये राइट जो है हमें है और ये सभी के लिए है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, तो वो हो गया रिकॉग्निशन, एक तो मान्यता मिल गई उसको। अब दूसरा है प्रोटेक्शन, अब वो राइट प्रोटेक्ट कहाँ किया गया है, वो राइट प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 32 या 226 के अंडर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं जब वायलेट होते हैं तो हम कहाँ मूव करते हैं, 32 और 226, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, अब वो होगी प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए कि आपने डिफाइन नहीं किया है राइट को, या उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि राइट क्या चीज़ है, इक्वालिटी क्या है, और उसकी रेमेडी यानी 32 बना दिया आपने पर उसको लिखा नहीं है, वह तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया आपने, तब भी वो राइट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, दिया नहीं दिया एक बराबर ही होगी, क्योंकि जब वो वायलेट होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते, कोई रेमेडी नहीं है आपके पास, तो फिर वो उसका होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि राइट या लीगल राइट जो है एक इंटरेस्ट है जिसको कि रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्शन दी जाती है बाय द रूल ऑफ लीगल जस्टिस। ये तो हो गया दोस्तों राइट, जिसको कि हम जनरली भी कह सकते हैं, सॉलमेंट की डेफिनेशन भी है। अब चलते हैं ड्यूगिट और कैल्सन, ये दो ऐसे फिलोसोफर थे जिनका कहना था कि लीगल राइट नाम की वो चीज़ ही नहीं है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूगी और कैल्सन ये कहते थे अगर कुछ इस दुनिया में है तो दैट इज़ ड्यूटी, ड्यूटी जो है वही होती है, लीगल राइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस दुनिया में, तो इन्होंने इसको बिल्कुल इनकार कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, थ्योरीज ऑफ राइट, यानी राइट की कौन कौन सी थ्योरी है। तो इसमें दो थ्योरी है राइट की, याद रखिएगा, एक विल थ्योरी है, दूसरी जो है इंटरेस्ट थ्योरी है। पहले देखते हैं विल थ्योरी को दोस्तों। विल बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इच्छा। ठीक है ना, किसी इंडिविजुअल आदमी की इच्छा होने को। तो इस थ्योरी के अंडर ये कहा गया है दोस्तों कि जो राइट है, लीगल राइट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आदमी की इच्छा से, यानी मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूँ, उससे ही जो लीगल राइट है वो इमर्ज होता है। और उसका कहना ये था कि जो लॉ है उसका पर्पस भी यही है कि वो जो एक इंडिविजुअल है उसको सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया दे, कि अपने आप को एक्सप्रेस करने, वही जो है वो राइट में इंक्लूड होता है, जो कि हमारी विल होती है। इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं दोस्तों वो है जॉन ऑस्टिन और हॉलैंड, और इसके साथ साथ ही हिकम, कांट, ह्यूम। विल थ्योरी को दोस्तों ड्यूगिट, जो कि ऊपर थे हमारे पास, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा था कि विल थ्योरी जो है वो एंटी सोशल है, यानी कि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। इस थ्योरी में सिर्फ यही है कि अपने बारे में सोचो, अपनी इच्छा के बारे में सोचो, कलेक्टिवली जो उसके बारे में कोई सोच नहीं है, ये एंटी सोशल इसलिए है। उनका कहना था जो लॉ है इसका बेस जो है वो सोशल सॉलिडारिटी है,
यानी कि सामाजिक तौर पे इकट्ठा होना या सामाजिक तौर पे अपने आप को एक इकाई की तरह देखना, वो है, ना कि पर्सनल राइट। तो याद रखिएगा, ड्यूगिट जो थे उन्होंने विल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट थ्योरी। तो इंटरेस्ट थ्योरी जो थी वो दी थी हेरिंग ने, और इसमें इनका कहना था कि जो पर्पज़ ऑफ द लॉ है वो इंटरेस्ट है, यानी कि कलेक्टिवली इंटरेस्ट जो है, इकट्ठे होके सारे समाज का इंटरेस्ट है, तभी लॉ बनता है। इन्होंने कहा कि जो विल थ्योरी है वो बेस नहीं है लीगल राइट का। इनका कहना था दोस्तों कि लॉ जो है उसको एक पर्पज़ है, ये पर्पज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ को देखते थे, और लॉ का जो पर्पज़ है दोस्तों वही उसके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है। जितने भी इंटरेस्ट होते हैं समाज में हमारे, उन सबको प्रोटेक्ट करना है, और वही जो बेस है लीगल राइट का वो इंटरेस्ट ही है। इनका कहना था कि जो इंटरेस्ट हैं वो स्टेट ने नहीं बनाए, वो सोसाइटी में स्टेट आने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, पर स्टेट ने क्या किया, उनमें से जो इंपॉर्टेंट थे या जो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं उनको उठाकर और उन पर वो राइट जो लीगल राइट जो थे वो दे दिए गए। इसके साथ साथ ही दोस्तों इस थ्योरी के जो सपोर्टर थे उनका कहना था कि भाई हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत सी सिचुएशन है जहाँ पर कि विल नहीं होती किसी आदमी की, जब वो अपनी विल जाहिर नहीं कर सकता, जैसे कि ल्यूनेटिक हो गए, बच्चे हो गए जो इन्फेंट हैं, उसके साथ ही कॉरपोरेशन हो गई। तो दोस्तों अगर हम विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी को कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि दोनों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं लीगल राइट में। विल जब किसी पर्टिकुलर आदमी की हो तो वो होती है उसकी इच्छा, इंडिविजुअल, पर जब बहुत सारे आदमी की विल मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, वो इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि विल थ्योरी भी राइट है, इंटरेस्ट थ्योरी भी राइट है, पर सेपरेटली दोनों में से कोई भी राइट नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो वो कह सकते हैं कि वो जो है वो सही है। तो इसलिए दोस्तों ये कहा गया है, कंक्लूडिंग रिमार्क ये दिया गया है कि विल जो है इंडिविजुअल लेवल पर जब बहुत तादाद में इकट्ठी हो जाती है तो वो इंटरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एलिमेंट ऑफ द राइट। एलिमेंट का मतलब यहाँ ये है कि अगर हम एक राइट की बात करते हैं, लीगल राइट की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर की राइट बनता है या लीगल राइट बनता है। तो उसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, दूसरी है द एक्ट और फॉरबेरेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट और रेस कंसर्न, पर्सन बाउंड। चार चीज़ें हैं दोस्तों। सालमंड के द्वारा एक और दी गई थी जिसको वो टाइटल कहते थे, ठीक है ना, कि टाइटल भी एक होनी चाहिए, पर जनरली कंसीडर की जाती हैं चार, याद रखिए। तो दोस्तों एलिमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। जैसे मान लीजिए कि आप बस में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप हो गए सब्जेक्ट, द एक्ट और फॉरबियरेंस। अब आप ट्रैवल करेंगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक्ट होगा। एक्ट क्या होगा, गाड़ी वाले को गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बस रोकनी पड़ेगी, दैट इज़ एक्ट। ऑब्जेक्ट और राइट और द रेस्ट कंसर्न, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ट्रैवल करना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। पर्सन बाउंड, पर्सन बाउंड कौन है, पर्सन बाउंड है ड्राइवर, जिसको ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि ये आपका लीगल राइट है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो सब्जेक्ट आप हो गए दोस्तों, एक्ट हो गया ड्राइवर का ब्रेक लगाना, फॉरबियरेंस भी हो सकता है, फॉरबियरेंस यानी कुछ ना करना, ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो दूसरा आदमी जो है उसको फॉरबेरेंस यानी कि वो ना करे उस प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेरेंस, ठीक है ना, किसी तरह का इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी के साथ ना करे, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस्ट कंसर्न ट्रैवल करना चाहते हैं, द पर्सन बाउंड उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ये है एलिमेंट ऑफ द राइट। जब ये चार एलिमेंट मिल जाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे कि राइट या लीगल राइट जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कोरिलेटिव एंड ऑपोजिट चार्ट। इसमें देखेंगे कि क्लेम या राइट जिसको कहा जाता है वो नो क्लेम कैसे हो जाता है, और वो ड्यूटी कैसे होता है, वो लिबर्टी क्या चीज़ है, प्रिविलेज क्या चीज़ है, पावर क्या है, इम्यूनिटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कोरिलेटिव एंड ऑपोजिट का क्या मतलब है। तो कोरिलेटिव यहाँ दोस्तों जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कोरिलेटिव है क्लेम और ड्यूटी, यानी राइट और ड्यूटी। ऑपोजिट क्या होगा इसका, क्रॉस, नो क्लेम, यानी आपको राइट हो सकता है, दूसरी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको राइट नहीं होगा। तो ये आ गया ऑपोजिट और कोरिलेटिव, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। तो बात करते हैं दोस्तों राइट या क्लेम की। अगर आपका राइट होता है तो उससे किसी की ड्यूटी भी जुड़ी होती है, यानी कि हम ये कहें जैसे मेरे पास फंडामेंटल राइट है स्पीच और एक्सप्रेशन का,
ठीक है, तो वो ड्यूटी भी है किसी की कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। वो ड्यूटी किसकी है? स्टेट की। यानी कि अगर कोई मेरा स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट रोक रहा है तो वो स्टेट की ड्यूटी हो जाती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है जी, ये हो गया रिलेटिव, यानी कि ये इससे रिलेट करता है, इसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है ना, वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ ड्यूटी, जहाँ पर राइट होगा वहाँ पर ड्यूटी का होना तय है। ये तो होगी एक सिचुएशन दोस्तों। अब दूसरी सिचुएशन ऑपोजिट, या तो आपको राइट होगा या आपको राइट नहीं होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, वो क्वाइट इसका ऑपोजिट है। ये तो हो गया दोस्तों क्लेम और ड्यूटी, या राइट और ड्यूटी का। उसके बाद है लिबर्टी एंड नो क्लेम। तो लिबर्टी क्या है दोस्तों? लिबर्टी मीन व्हाट वन कैन डू फॉर हिमसेल्फ विदाउट बीइंग प्रिवेंटेड बाय लॉ, या दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहें तो लिबर्टी का मतलब है दोस्तों कि जब कोई आदमी किसी तरह का भी कोई इन्जॉय करता है किसी चीज़ को, तो वो फ्रीली इन्जॉय करता है, उसमें किसी तरह का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, और उसको ऐसा करने से लॉ भी जनरली नहीं रोक सकता। यानी कि सिंपली कहें, जैसे मान लीजिए किसी का फील्ड है, खेत है, या कोई कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, या कोई तालाब है, या कोई किसी तरह का और प्रॉपर्टी है, तो वो आदमी फ्री है उसको इन्जॉय करने की, उसके बाद पूरी लिबर्टी है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। और लिबर्टी का देखिए कोरिलेटिव क्या है? नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। यानी कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है तो आपका कोई राइट नहीं है उससे लेकर, आपके पास कोई राइट नहीं है उसकी प्रॉपर्टी पर, या उसको रोकना कि भाई आप ऐसा मत करो। नो क्लेम, जब लिबर्टी होगी तो उसके साथ क्या आएगा? नो क्लेम। और अगर क्लेम आएगा तो फिर लिबर्टी नहीं होगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब लिबर्टी का क्या ऑपोजिट है? ड्यूटी। ठीक है जी, यानी कि एक तरफ आप पूरी तरह फ्री हैं, यू आर फ्री टू एन्जॉय विदाउट इंटरफेरेंस, दूसरी तरफ आप बाउंड, यानी कि ड्यूटी बाउंड, तो ये उसका क्वाइट ऑपोजिट है। इसके साथ ही दोस्तों जो एक वर्ड और दिया गया है वो है प्रिविलेज, ये भी लिबर्टी के साथ, या इसको लिबर्टी और प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है दोस्तों स्पेशल राइट, या फिर कोई एडवांटेज जो कि स्पेशल होता है। अब ये कैसे, इसका एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों आपको। जैसे कि दोस्तों अगर आप आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें जो है संसद के अंदर जो संसद के मेंबर हैं उनको बोलने की आज़ादी है। संसद में बोला गया कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसी बात जो है उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, जो कि बाहर बोलने पर एक्शन किया जा सकता है, तो वो है प्रिविलेज, यानी स्पेशल राइट दिया गया है। जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, जो आपको दिल करे वो नहीं बोल सकते, आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, एलिगेशन नहीं, पर संसद में वो चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपको एक तरह का प्रिविलेज दी गई है आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी दोस्तों वही सिचुएशन है, नो क्लेम, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब कोई संसद के अंदर बोल रहा है तो आप किसी तरह का उस पर क्लेम नहीं कर सकते। ये तो है दोस्तों क्लेम, ड्यूटी, लिबर्टी, प्रिविलेज। उसके बाद चलते हैं पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी। पावर को डिफाइन किया गया इस तरह से दोस्तों कि एक ये एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द गिवन रिलेशनशिप बाय डूइंग और नॉट डूइंग अ गिवन एक्ट, यानी कि एक तरह की एक क्षमता है जिससे कोई आदमी किसी रिलेशन में कोई तब्दीली कर सकता है, कुछ करने से या कुछ नहीं करने से। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, बाय विल, यानी जो विल बनाई जाती है, वसीयत जिसे कहा जाता है, जब वो बनाई जाती है तो उसमें जो आदमी बनाता है वो उसकी पूरी पावर होती है, कोई वो चाहे किसको प्रॉपर्टी दे या अपनी किसी को ना दे, उसमें कोई जो है आपका रोल नहीं होता है, जो प्रॉपर्टी जिनके नाम होनी है उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होता है, याद रखिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर नहीं होता है, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर ऐसा राइट नहीं होता है, पर जो प्रॉपर्टी एक आदमी अर्न करता है उसको उसके बिल बनाने की पूरी आज़ादी होती है। पावर दो तरह की हो सकती है दोस्तों, एक पब्लिक हो सकती है, दूसरी प्राइवेट हो सकती है। पब्लिक, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो पब्लिक ऑफिशियल हैं हमारे उनके पास पब्लिक पावर होती है, प्राइवेट यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसके पास जो पावर होती है, उसके पास जो पावर है उसको प्राइवेट पावर कहते हैं। पब्लिक पावर को कहा जाता है दोस्तों अथॉरिटी, और प्राइवेट पावर को कहा जाता है कैपेसिटी, ठीक है ना, क्षमता। प्राइवेटली मेरी क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अथॉरिटी यानी कि जैसे हम कहते भी हैं नॉर्मल कि भाई उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है, तो याद रखिएगा पब्लिक पावर इज इक्वल टू अथॉरिटी, प्राइवेट पावर इज इक्वल टू कैपेसिटी। अब बात आ गई दोस्तों लाइबिलिटी की, इसका जो रिलेशन है उसका लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी दोस्तों उस पर्सन के फेवर में होती है जिसके की सिचुएशन को चेंज किया गया, यानी कि जैसे विल बनाई गई हो,
तो बिल बनाई गई होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, या जो उसके उत्तराधिकारी होंगे या जो उसके लीगल एयर्स होंगे उन पर इसका असर पड़ेगा, तो वो होंगे अंडर लाइबिलिटी। जनरली इसको लाइबिलिटी कहा जाता है, पर इसको हम सब्जेक्शन भी कह सकते हैं, जैसे किसी के सब्जेक्ट हो जाना या किसी के अधीन हो जाना। तो वो यहाँ पर ये पावर जो है, इस पावर का जो असर है यहाँ पर होगा, और ये जो है वो डिपेंडेंट है इस पावर के ऊपर कि भाई जो आप करोगे वो ठीक। पावर का ऑपोजिट है दोस्तों डिसेबिलिटी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ आपके पास पावर है, दूसरी तरफ आप डिसेबल हैं, आपके पास पावर नहीं है, सिंपल सी बात है। अब है दोस्तों इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है दोस्तों एक तरह से छूट कह सकते हैं इसको, आम भाषा में हम कह सकते हैं छूट देना, किसी लीगल प्रोविज़न से छूट मिलना उसको। इसमें दोस्तों मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दिया गया है कि प्रेजिडेंट ऑफ जो इंडिया है उस पर किसी तरह की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है ना। अगर वो चल रही होगी ड्यूरिंग ऑफिस है तो वो रुक जाएगी, और अगर कोई नई चलानी है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी नहीं चलेगी। तो ये है दोस्तों इम्यूनिटी। तो इसमें जनरली क्या होता है, अगर एक लेमैन क्राइम करता है तो उसको भुगतना पड़ता है जो वो करता है, पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसको वो इम्यूनिटी छूट दे दी है, भी आपके लिए जब तक आप प्रेसिडेंट हैं तब तक ये प्रोसीडिंग ऑलरेडी चली हुई है तो बंद हो जाएगी, नई कोई आप पर चलाई नहीं जा सकती। अब दोस्तों इम्यूनिटी का जो कोरिलेटिव है वो है डिसेबिलिटी, यानी कि जहाँ पर इम्यूनिटी होगी वहाँ डिसेबिलिटी भी होगी। डिसेबिलिटी कौन, यानी कि कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते प्रेसिडेंट के खिलाफ जब तक वो अपने ऑफिस में है, तो उससे क्या हुआ डिसेबल, यानी कि आप डिसेबल हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते, जो आपका राइट है उसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो इम्यूनिटी का ऑपोजिट है लाइबिलिटी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर इम्यूनिटी होगी कि भाई आपको यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ दूसरी तरफ है आपकी लाइबिलिटी, आप सब्जेक्शन, आपका पूरा जो दारोमदार है वो पावर पर डिपेंड है, यानी कि पावर करने वाला जो करेगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ पर अगर लाइबिलिटी की जगह इम्यूनिटी होती तो पावर करने वाला फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो इम्यून है। तो ये है दोस्तों जो कि कोरिलेटिव एंड ऑपोजिट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखें। उसके बाद है दोस्तों ऑस्टिन व्यू ऑफ द ड्यूटी, कि ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन जो थे उनके व्यू क्या थे ड्यूटी के बारे में। तो इसमें दोस्तों जो है जॉन ऑस्टिन थे, उन्होंने चार तरह की ड्यूटी बताई थी। पहली जो उन्होंने बताई थी वो थी ड्यूटी नॉट टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ ड्यूटी टूवर्ड गॉड, यानी कि परमात्मा के प्रति ड्यूटी। सेकेंड था दोस्तों ड्यूटी टूवर्ड कम्युनिटी, ठीक है ना, इनडेफिनेट पर्सन, मतलब बड़ी ऑब्वियस सी बात है जनरल ड्यूटी जो सभी के प्रति होती है। तीसरा उन्होंने कहा दोस्तों सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी, यानी अपने प्रति ड्यूटी। चौथा उन्होंने कहा दोस्तों ड्यूटी टूवर्ड सोबर, यानी कि सुप्रीम, यानी कि जो रूल कर रहा है, ठीक है जी, जो स्टेट है या किंग है जो भी है उसके प्रति भी ड्यूटी है। तो ये चार तरह की ड्यूटी उन्होंने दी दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्यूटी, यानी ड्यूटी कितनी तरह की हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव ड्यूटी एंड नेगेटिव ड्यूटी। तो दोस्तों पॉजिटिव ड्यूटी जो है उसका मतलब है कि किसी आदमी द्वारा किसी के प्रति कुछ करना, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये आपको कोई उधार देता है तो आपका ड्यूटी है कि आप उसको वापस करें, क्या करना है अपने वापस करना है, यस पॉजिटिव। नेगेटिव ड्यूटी, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मना किया जाता है किसी को कुछ करने से, नो डोंट डू। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये मना ही होगी कि आप उसकी प्रॉपर्टी पर जाके किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट करें, तो दैट इज़ नेगेटिव ड्यूटी, नो आप कुछ नहीं करेंगे। इसको सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि पॉजिटिव ड्यूटी यानी कि कुछ करेंगे किसी के प्रति जो लीगली बाउंड है आप, नेगेटिव ड्यूटी कि आप कुछ नहीं करेंगे किसी के प्रति उसमें भी आप बाउंड। उसके बाद है दोस्तों प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी, पहली ड्यूटी और दूसरी ड्यूटी। पहली ड्यूटी क्या है दोस्तों, प्राइमरी क्या है कि हम किसी को डिफेम ना करें, ठीक है, या किसी को कोई इंजरी ना करें, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। सेकेंडरी ड्यूटी है कि अगर हम इस तरह से कोई डिफेम करते हैं किसी को, मानहानि करते हैं किसी का या किसी को कोई इंजरी करते हैं, तो हमें फिर उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द राइट्स, की राइट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। ड्यूटी तो हमने देख ली, अब राइट को देखते हैं। तो सबसे पहले है एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट, इसको दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी राइट भी कहा जाता है, प्रिंसिपल और एसेसरी राइट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों सिंपली वही बात है कि पहले तो राइट है कि आप किसी तरह का डेफेमेशन आपका नहीं हो, दूसरा अगर डेफेमेशन कोई करता है आपका यानी मानहानि करता है तो रेमेडियल राइट, फिर आप कोर्ट जाके उसे रेमेडी दे सकते हैं, सिंपली जो हमने पीछे किया। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, परफेक्ट राइट वो होते हैं दोस्तों जिनकी की कोई ड्यूटी होती है, उससे रिलेटेड ड्यूटी होती है और उस ड्यूटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। इम्परफेक्ट राइट वो होते हैं दोस्तों चाहे जिनको रिकोगनाइज किया गया हो लोगों के द्वारा पर आप उनको क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, जैसे कि टाइम बार डेट,
आपने किसी को पैसे दिए उधार, आपने वापस लेने थे, 3 साल का टाइम था आपके पास, पर आपने वापस नहीं लिए। अब 3 साल के बाद आप वापस नहीं ले सकते। राइट आपका है पर आप रेमेडी उसकी नहीं ले सकते। ये है दोस्तों परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। तो नेक्स्ट है दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। तो पॉजिटिव राइट जो है वो जैसे यस, नेगेटिव राइट नो। मान लीजिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को जैसे कि मेरा राइट है कि बाकी लोग उसको रिस्पेक्ट करें। दूसरा नेगेटिव राइट मेरा क्या है कि उसको किसी तरह से नुकसान ना करें। तो एक तरफ यस रिस्पेक्ट करें और दूसरा नेगेटिव यानी कि वो उसको नुकसान ना करें। पॉजिटिव राइट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा दिक्कत है क्योंकि आप किसी को नहीं कह सकते कि हाँ भाई आप मेरी प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करें, पर नेगेटिव राइट को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान रहता है कि हाँ भाई आप ऐसा कुछ ना करें या मेरी प्रॉपर्टी को हार्म करने की कोशिश ना करें जिसमें आपको इंजेक्शन मिल सकते हैं या तरह तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो मिल सकती हैं। उसके बाद है दोस्तों राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा राइट जो कि आपको पब्लिक एट लार्ज यानी कि पब्लिक अगेंस्ट है। राइट इन पर्सोनम है जबकि आपको किसी स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट है, स्पेसिफिक पर्सन। राइट इन रेम का जैसे कि मुझे कोई डिफेम ना करे तो ये मेरा राइट है, सब के अगेंस्ट है, कोई भी मुझे डिफेम नहीं कर सकता। राइट इन पर्सोनम यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी दो पार्टी है, ए को राइट है बी के अगेंस्ट, बी को राइट है ए के अगेंस्ट, अगर कोई वायलेशन होती है तो, या वायलेशन ना भी हो तो वो जो है वो पर्सोनम यानी एक दूसरे के खिलाफ, तीसरे चौथे पाँचवें आदमी के खिलाफ उनका कोई इंगेजमेंट नहीं होगा। उसके बाद है प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट। ये दोस्तों वो राइट हैं जो कि प्रॉपर्टी यानी मेरी प्रॉपर्टी में मेरे क्या राइट है, ठीक है ना, मेरी प्रॉपर्टी है वो कैसी है, बेचना है उसको, खरीदना है उसको, डिमोलिश करना है, क्या करना है, वो मेरे प्रॉपर्टी के राइट है। पर्सनल मेरे पर्सनल राइट क्या है, जैसे कि डिफेमेशन से लेके, डिफेमेशन मेरा पर्सनल राइट है, मेरा एस्टीम है, मेरा एक जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको लेकर मेरा राइट जो है वो पर्सनल राइट कहा जाता है दोस्तों उसको। उसके बाद है दोस्तों रे प्रॉपरिया एंड रे एलियना, यानी कि राइट रिलेटिंग टू योर ओन थिंग्स। रे प्रॉपरिया होता है कि अपनी चीज़ों में जो राइट जनरेट होता है आदमी, रे एलियना यानी कि राइट रिलेटिंग टू अदर्स, जैसे कि हमारा इजमेंट का राइट होता है, ठीक है ना, कि आप 20 सालों से इस रास्ते पर चल रहे हो तो हाँ भाई आपको जाना पड़ता है अपनी ज़मीन के लिए या अपना कोई पानी लेने के लिए, तो वह हम चलेंगे क्योंकि ये हमें जनरेट हो गया पिछले 20, 25, 30 सालों से हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी किसी और की है, राइट आपके पास है, द राइट रिलेटिंग टू अदर्स, तो राइट रिलेटिंग टू योर थिंग्स एंड योर प्रॉपर्टी, तो ये है रे प्रोप्रिया और रे एलिना। उसके बाद है वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट। तो वेस्टेड और कंटिजेंट राइट जो है दोस्तों, वेस्टेड वो होता है जो कि आपके फेवर में हो, जिसको आपको पता होता है कि ये मेरे फेवर में है, मुझे ही मिलेगा। कंटिजेंट जो होता है उसका श्योर नहीं होता है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपका वेस्टेड राइट होता है, कोई उसे डिफीट नहीं कर सकता। अब उसमें क्या है दोस्तों, वो आपको मिलेगी ही, अगर आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है तो आपको मिलेगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता, इवन उस आदमी का जो फादर मदर है वो भी नहीं रोक सकते। अब वो हो गया उसका वेस्टेड कि डेड श्योर है कि मुझे ही मिलेगी, ठीक है ना, मुझे मिलेगी, मेरा जो हिस्सा होगा वो मुझे मिलेगा। कंटिजेंट में सिचुएशन अलग है। कंटिजेंट में मान लीजिए एक आदमी का फादर उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा अगर तुम्हें पहला बच्चा जो होगा वो लड़का होगा, तो अब लड़का होगा कि नहीं होगा ये श्योर नहीं, तो दैट इज़ कंटिजेंट राइट। उसके बाद है लीगल एंड इक्विटेबल राइट। जो लास्ट है दोस्तों, लीगल और इक्विटेबल राइट जो थे दोस्तों वो इंग्लैंड में थे। लीगल राइट जो थे वो कॉमन लॉ कोर्ट के इजाद थे, यानी कि वो कोर्ट जिसमें जुडिशियल जजेस अपने डिसीजन थे चीज़ों को बनाते थे, और इक्विटेबल राइट वो थे जो कि इक्विटी लॉ में जो गवर्न किए जाते थे। तो इक्विटी जो थी ब्रांच अलग थी पहले, अभी वो मर्ज हो चुका है, अभी एक ही हो चुके हैं, तो इक्विटी अलग थी इसलिए उसे इक्विटेबल राइट कहा जाता था, लीगल अलग थी इसलिए उसे लीगल राइट कहा जाता था। इसमें जो मैक्सिमम होती हैं इक्विटी की दोस्तों उनको अप्लाई करके डिसीजन दिया जाता था, जबकि लीगल राइट का अलग था। लीगल राइट में क्या था कि इसमें जो कॉमन लॉ के डिसीजन यानी कि जजेस के जो अपने डिसीजन होते थे प्रेसिडेंट के थ्रू उसको अप्लाई किया जाता था। ये फॉर्मेट जो है दोस्तों वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि इंडिया में इसकी वैलिडिटी नहीं है, इंडिया में इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। हालांकि इक्विटी इंडिया में भी है, जैसे कि आप सुनते होंगे इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस, यानी कि जजेस
अगर कोई ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें कोई लॉ नहीं है तो वो डिसीजन किस बेस पे देंगे, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसेंट, तो वही है आपकी इक्विटी। तो लीगल है पर ये डिफरेंशिएशन इंडिया में नहीं है, तो अब इंग्लैंड में भी नहीं है, क्योंकि इक्विटी के जो कोर्ट होते थे उन्हें चांसरी कोर्ट कहा जाता था, लीगल कोर्ट जो होते थे लीगल राइट को इन्फोर्स करते थे उन्हें कॉमन लॉ कोर्ट कहा जाता था। चांसरी कोर्ट अभी वहाँ नहीं है, उनको अबॉलिश कर दिया गया है, इक्विटी सिस्टम को वो मर्ज कर देगी दूसरे सिस्टम में, फिर भी डिफरेंशिएशन जो आपको पता होना चाहिए। और ये है दोस्तों हमारा लीगल राइट और ड्यूटी का एक कंसेप्ट जिसकी कि मेन प्रोविज़न हमने डील की। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू वेरी मच।